होता है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, कौन से कलर के डिब्बे में कौन सा बायोमेडिकल रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसका PDF या नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको हम इसका नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हॉस्पिटल वेस्ट होता क्या है। हॉस्पिटल वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च, यानी मरीज के इलाज के समय या उसके डायग्नोसिस करते समय और मेडिकल रिसर्च करते समय जो भी कचरा उत्पन्न होता है उसे मेडिकल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मेडिकल वेस्ट प्रोग्राम सर्वप्रथम किसने डेवलप किया था, तो सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटस एंड फॉरेस्ट द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। अब हम इसका स्टेप्स जानते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के। तो स्टेप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, तो देखिए सबसे पहला है सेग्रीगेशन, सेकेंड है कलेक्शन ऑफ स्टोरेज, कलेक्शन कैसे करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का। इसके बाद फिर है पैकेजिंग, उसको पैकेज पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, डिस्पोज, यानी डिस्पोज करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं सेग्रीगेशन। ठीक, तो सेग्रीगेशन जो होता है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये बायोमेडिकल वेस्ट का पहला स्टेप होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में अलग अलग मेडिकल वेस्ट को अलग अलग डिब्बे में रखा जाता है, यानी डिफ्रेंशिएट करते, सेपरेट करते हैं अलग अलग डिब्बे में। अब सभी डिब्बे को हम देख लेते हैं कौन से कलर के डिब्बे में कौन सा वेस्ट रखा जाता है। तो सबसे पहले आता है येलो बिन, यानी पीला डिब्बा। तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट यानी शरीर के अंग और ऊतक को रखा जाता है, ड्रेसिंग एंड बैंडेज को रखा जाता है, ब्लड बैग को रखा जाता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड केमिकल वेस्ट को रखा जाता है, किसमें, पीले डिब्बे में। अब हम सेकेंड देखते हैं लाल डिब्बा, तो इसमें ट्यूब एंड IV सेट्स हो गया, यूरिन की नलिया और बैग हो गए, हैंड ग्लव्स हो गए, प्लास्टिक बॉटल हो गई, बिना सुई वाली सिरिंज हो गई, और जितने भी प्लास्टिक होते हैं, ठीक, उसको लाल डिब्बे में रखा जाता है। अब देखिए तीसरा डिब्बा जो है वो है ब्लू बिन, यानी नीला डिब्बा। इसमें ग्लास की ट्यूब हो गई, ग्लास स्लाइड हो गई, फ्लास्क हो गया, वीकर हो गया, जितने भी ग्लास वेयर हैं उनको क्या, किस में रखा जाता है, उनको ब्लू डिब्बे में रखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो डिब्बा है वो है सफ़ेद डिब्बा। इसमें इट इज़ ए लीक प्रूफ बिन, क्या होता है, ये लीक प्रूफ डब्बा होता है। इसमें सुई को हो गया, नीडल्स हो गए, सभी धार यानी धार वाली धातुओं को इसमें रखा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा हरा डिब्बा यानी ग्रीन बिन। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ किचन वेस्ट, इस डिब्बे में सभी प्रकार के खाने पीने से निकले हुए वेस्ट को डाला जाता है। तो फिर से देख लेते हैं, ग्रीन डिब्बे में सभी प्रकार से खाने पीने के वेस्ट को डाला जाता है। ठीक, और सफ़ेद डिब्बे में सभी धार वाले वस्तु को डाला जाता है। ठीक, और नीले डिब्बे में सभी कांच की वस्तुओं को डाला जाता है, लाल डिब्बे में सभी प्रकार के प्लास्टिक वगैरह को डाला जाता है। ठीक, पीले डिब्बे में केमिकल वेस्ट हो गया, ख़राब दवाइयाँ हो गई, ड्रेसिंग हो गया, ब्लड बैग हो गया, शरीर के अंग हो गए, ऊतक हो गए, इन सबको रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।